दर्शकों, मेरा नाम मुनीब उल हक है। मैं लाहौर तो के एच न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से तुहाडे नाल मुखातब है। सब तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड तमाम दोस्तों नू, दर्शकों नू, देखने वाले नू, मुनीब हक का बहुत बहुत सलाम पहुंचे। मैं थोड़ी खिदमत अच्छ 3-4 मिनट लवागा और मैं उम्मीद है कि तुम मेरी गल गौर सुनोगे। साढ़े चढ़ते पंजाब जो कुछ हो रहा है वह कोई जाती मसला नहीं है। मैं कल भी थोड़े लिए पूरा अपने प्लेटफॉर्म तो एक प्रोग्राम किया 20 मिनट का, जिद मैं सारा उस कानून की जोड़े कि मोदी सरकार ने थोड़े से थोपते, मैं उस कानून की वजाहत की है और मैं दसिया कि उस कानून के रवाज न सिखा की नुकसान, साढ़े सिख भरावान नु, बेलिया नु, मित्रां नु, सजणां नु की नुकसान होएगा और वह बिल्कुल फह जाएंगे। उन्होंने ब्रेड एंड बटर जरा खत्म हो जाएगा, उन्होंने जिंदगी जी है वह एट स्टेक से पहले लगी हैं। सब तो पहले तो मैं थोड़े नाल इजहार हमदर्दी करना है कि साढ़े 47 सिख भरा जोड़े है वो अल्लाह नू प्यारे हो गए इस तरीके दौरान। अल्लाह मोदी नू हदायत दे कि वो थोड़े नाल गलबात कर, और कोई भी मसला हो गलबात नहीं हल होता है। मैं इस मौके पर तुहानू यकीन दिलाना है कि थोड़े कौज की हिमायत लई मुनीब उल हक को जो हो सकिया दामे दरमे सुखने बगैर कहे असी लाहौर च दवाज चुकते रहेंगे। पहले भी इस सिलसिले में मैं 2 प्रोग्राम कर चुका है, मैं आज फिर थोड़े नाल यही अपनी गुजारिशात लेके हाजिर होया। मैं उम्मीद है कि तुसी बिल्कुल लेंदे पंजाब यानी साडे पंजाब वालों उ ही तो रखोगे जो एक भरा दूजे भरा को लगता है। एक गल दूसरी गल है कि इस प्लेटफॉर्म की विरासत में मैं मोदी सरकार को भी कहूँगा कि मोदी साहब बह के गल करो सिखा ना, वरना जो हाल इंदिरा गांधी का होया कि तुहाडा ना हो जाए। यह मसला हुण सिखो मेरे सिख भरावो, यह हुण तुहाडा नहीं रहा, यह मसला जो है इस पंजाब का भी है। और होर कोई बोले ना बोले मुनीब उल हक जो तक जिंदा है तुम्हारी आवाज चुकता रहेगा और मैं उम्मीद है कि तुम इस चैनल में के एच न्यूज़ को सबसक्राइब करोगे और मेरे इस पैगाम को, मेरी इस दरखास्त मेरी इस बेनती मैं थोड़े अगर बेनती करता है कि अपना एहतजाज जारी रखो। मुनीब उल हक लिए जो मुनीब उल हक के बस जो होया वो करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।